जी हेलो एंड वेलकम टू द नव एंड मसल मार्किंग मोस्ट अवेटेड वीडियोस। इसमें बेसिकली बहुत रिक्वेस्ट हुई कि इन पे वीडियोस बनाई जाएं जल्दी से जल्दी। अच्छा, ये जो नव एंड मसल है, वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन फिजियोलॉजी। इसमें से काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अगेन मैं वही चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं इस चैप्टर में या जो भी थ्रू आउट द नव एंड मसल हम डिस्कस करेंगे वो UHS के पास पेपर, ठीक है, उसके साथ साथ हम स्टैंड अप्स, ठीक है जी, और एट लास्ट हम टर्म्स टेस्ट जो हमारे हुए या डिफरेंट कॉलेजेस के या मेरे पास आते रहे, मैं उन सब के क्वेश्चंस को एक्युमुलेट करके वो आपको बताऊंगा। चैप्टर नंबर 5 से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से आपको एक जस्ट एक कॉमन जो इसे हम कहते हैं रीड देनी होगी आपको, एक MCQ पॉइंट माइनस इन्फिनिटी वॉल डिफ्यूजन प्रोटेक्शनल क्या होता है, अनस प्रोटेक्शनल क्या होता है, ये MCQ चीज़ें में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह सोडियम आयंस की मदद से जो क्या आता है, सोडियम चैनल की वजह से कितना आता है, डेड सेट, कोई ऐसा क्यू नहीं आएगा। नर्स प्रेशर शायद एक दो बार आया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी EMF, ये जो फार्मूला है या गोल्डमैन इक्वेशन है, ये आपको अच्छी तरह आनी ही चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी सारे MCQs आ सकते हैं। मैथमोलॉजिकल जो से हम कहते हैं कि सॉल्व करने वाले भी MCQs आते हैं इस बॉक्स में, 1, 2 एंड 3, ये तीन MCQ में के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप देखेंगे इस जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स है, एक्चुअली ये भी MCQs में उठा के दे देते हैं बस दफ़ा। ये फार्मूला जिसमें डिफरेंस बताया गया है इन इसका, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, कब इक्वेशन इक्वल है, ये आपको लाजमी रीड करना होगा। यहाँ तक MCQs, ये सारे MCQs के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से आप एक बड़ा सारा क्रॉस लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शनल फर्स्ट UQ ऑफ द नर्व एंड मसल, ठीक है। वो डिफरेंट फेजेस पूछते हैं इस पर और पूछते हैं कि सोडियम चैनल का काम क्या है, पोटाशियम का क्या है, इनका सोडियम पोटाशियम पम्प का काम क्या है, और ये किस तरह इंटेड होता है, इनकी वैल्यूज़ की मदद से आपने बताना होता है, और मे बी डायग्राम्स भी आपको ड्रा करनी पड़ सकती हैं, ठीक है जी। वो कैसे, वो बता देता हूँ आपको। ये देखें, आपको बेसिकली ये वैल्यूज़ आनी चाहिए, इनके डिफरेंस आना चाहिए, ये कितना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी। ये सारे का सारा आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ये पढ़ने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद, ये वैल्यूज़ रटने के बाद एक बार फिर दोस्त लाजमी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के। इतना ज़्यादा लिखना विद इन अ लेस टाइम और समराइज़ करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन लाजमी देख लें, आपकी मर्ज़ी है बाकी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, इसके फेजेस क्या है, और ये वाली डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्शन पोटेंशियल की डायग्राम, ये आपने अपनी फिंगर टिप पे करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये फेजेस आपके हो गए इसी में। उसके बाद ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, इसमें से कुछ भी आपका UQ नहीं आता, इसको अगेन आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। ये एक MCQ इस लाइन में होगा वो आप देख सकते हैं, डेड सेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है जी। ये सारे का सारा आपका MCQ रीड है। अगेन वही समरी जो आपको पीछे उन्होंने इन डिटेल बताई हुई है, वो ये समराइज़ किया हुआ इस पार्ट में सारे का सारा, ठीक है, और वही आपको दोबारा रेपिटेशन दी हुई है। तो एक बार आप इसको अपने सहूलत के लिए या MCQ के लिए कुछ देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो ये है कि टैटनी कैसे होती है, एक क्वेश्चन ये आता है। स्नो चैनल्स कौन से होते हैं, कैल्शियम चैनल बेसिकली होते हैं, और उनको क्यों कहा जाता है स्नो चैनल्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये वाइवा क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, MCQ में या SCQ में काम आने का चांस होता है, लेकिन ये वाइवा के पक्के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। प्रोपिगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट UQ, मोस्ट रेपिटेटिव, ठीक है। रेपिटेशन इसकी बहुत है, इसमें आल और नल जो प्रिंसिपल है ये बहुत बार पूछा गया है, और ये डायग्राम्स आपको ड्रा करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। ये आपको अच्छे से करना होगा, आपने खुद समराइज कर लें, किसी बुक से ना करें, ये मेरे ख्याल में फिर दोस्त पे आपको मिलेगा भी नहीं, तो ये आपको खुद करना है। सो ये आपका हो गया। उसके बाद आता है प्लेटो। प्लेटो का ग्राफ कुछ यूँ इस एंगल से होता है, ये आपने ड्रा करना है, इसकी वजह क्या है, कैल्शियम चैनल होते हैं, क्यों होते हैं, स्लो क्यों कहते हैं, ये सारा इसमें आता है, और ये इसकी ड्यूरेशन कितना है, ये बहुत MCQs में आता है, 0.022, 0.03। साल्टेटरी इंडक्शन कैसे होती है, इसकी आपको फिगर ड्रा करनी आनी चाहिए। ये फिगर आपको ओल्ड बुक्स में मिलेंगी अच्छी, यहाँ पे कोई ऐसा अच्छी फिगर नहीं दी हुई,
यहाँ पे ये जो फिगर है ये कुछ अच्छी नहीं है। ओल्ड बुक्स में एक बार देख लें, कोई आपको ओल्ड बुक मिल जाए या फिर किसी और बुक में गेनोंग में देख लें या नेट पर सर्च कर लें, ये फिगर अच्छी नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे आपको दो चार एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बाकी जस्ट आपने रीड आउट करना है। इस टॉपिक में बस यही यू क्यों होंगे, एक्शन प्रोटेशनल आएगा, प्रोपियोगेशन आएगा, नस प्रोटेशनल की डेफिनेशन आ सकती है, मेम्ब्रेन प्रोटेशनल, रेस्टिंग प्रोटेशनल कैसे होता है, साल्टेटरी कोडक्शन आ सकती हैं। चैप्टर 5 इज दैट्स ऑल अबाउट। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।